वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे राज्य राज्य के लोगों, उसकी स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर की महिमा हो भाई और बहनों। वी आर सो हैप्पी टू कम इनटू योर हाउसेस। हम बहुत खुश हैं कि एक बार फिर हम आपके घरों में आ सकते हैं। वी कुड कम टू यू वेयर एवर यू आर एंड से दैट जीसस लव्स यू। जहां पर भी आप हैं, हम वहां आकर आपको कह सकते हैं कि यीशु आपसे प्यार करते हैं। In 2015 maybe many people were mad with you। हो सकता है कि 2015 में बहुत से लोग आपसे नाराज हों। Maybe so many of you maybe are rejected by people। हो सकता है कि बहुत सारों का तिरस्कार किया जा चुका हो। Maybe 2015 was a bad year for you। हो सकता है 2015 का वर्ष जो है आपके लिए बहुत बुरा हो। But in 2016 I want to tell you only one statement। 2016 में हम केवल एक ही बात आपको कहना चाहते हैं। Now I want to tell you this statement that God is not mad with you। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। Don't think that God is making it hard for you to please Him and go to heaven। ये मत समझिए कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कठिन परिस्थितियां कर रहा है और आपको स्वर्ग में जाने के लिए उसे खुशी करने में बहुत मुश्किल आएगी। But I want to tell you that God loves you, He has a plan for you, and he will deliver you। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसके पास आपके लिए योजना है, वो आपको मुक्त करेगा। But as Christians, we are always called not to look backwards but forward। मसीही होने के नाते हमें हमेशा ये कहा गया है कि हमने पीछे मुड़के नहीं देखना है, सिर्फ आगे को देखना है। You know, once Joyce Meyer said, if the horse is dead 10 years before, don't try to sit and ride the horse। एक बार ये परमेश्वर की सेविका जॉयस मेयर ने कहा था कि यदि 10 साल पहले घोड़ा मर चुका हो तो आप उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। The same thing I want to put in other way and say, maybe there are dreams which you had which are dead। हम उसी बात को दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके ऐसे कुछ सपने हों जो मर चुके हों। Don't try to only be behind the dreams। Ask God to give you new dreams, new visions, and new work and go forward in 2016। आप उन पुराने सपनों के पीछे मत रहिए, परमेश्वर से कहिए कि आपको नए सपने दे, आप उनकी ओर बढ़िए और आगे बढ़िए। I also want to tell you whether you have any new resolution or not, whenever you feel God is telling you to change, ask strength and change immediately। हम यही कहना चाहते हैं कि आपका कोई संकल्प है या नहीं, जब भी परमेश्वर आपको कहता है कि आपको परिवर्तन लाना है तो परमेश्वर से सामर्थ मांगिए और परिवर्तन लाइए। When I look at 2015 January, जब हम 2015 के जनवरी महीने की ओर देखते हैं, When I was looking at the news channels, everybody was coming and promising a wonderful 2015। और जब उस समय हम न्यूज चैनल देख रहे थे, टेलीविजन पर देख रहे थे, हर चैनल अच्छे 2016 के 15 के उम्मीद की बात कर रहा था। They said 2015 is going to be a year of prosperity। और सभी ये कह रहे थे कि 2015 साल जो है वो तरक्की का साल होगा। They said 2015 will be a place where people will earn lot of money in share market। और वो ये कह रहे थे कि 2015 एक ऐसा वर्ष होगा जबकि लोग बहुत धन कमाएंगे। They said 2015 will be of peace and prosperity। और उनका दावा था और कह रहे थे कि 2015 शांति और अमन का साल होगा। But what I personally saw and heard was complete opposite। और हमने व्यक्तिगत तौर पर जो हमने महसूस किया और देखा वो बिल्कुल उसके विपरीत था। There were more tears shed in 2015 than more than any other year। 2015 में बीते कई सालों से ज्यादा लोगों ने आंसू बहाए। There were more wars in 2015 than any other year I know। दूसरे सालों की तुलना में जब हम देखते हैं तो 2015 में ज्यादा युद्ध लड़े गए। There are more people who lost money in share market in 2015 Then 2014 से 2015 में लोगों ने अधिक पैसा गवाया। So if I look at 2016, I don't have much hopes। जब मैं 2016 को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। Because more and more people are realizing the medicines which the doctors give to us for our own cure is solving one problem and giving 10 other problems। क्योंकि हम ये महसूस करेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जितनी ज्यादा दवाइयां डॉक्टर हमें देता है एक समस्या को हल करने के लिए, उससे कई ज्यादा समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। So as God chosen you to watch this channel, जब परमेश्वर ने आपको ये चैनल देखने के लिए चुना है, I want you to have a right perspective for 2016।
तो हम चाहते हैं कि 2016 के लिए आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए. Maybe when you look at the world and your neighbor and your relatives and see what's happening, maybe you have lost heart. जब आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने पड़ोसियों को देखते हैं, तो हो सकता है कि आपने हिम्मत छोड़ दी हो. Maybe in 2016 when you look at your purse or bank balance, it may be nil. 2016 में जब आप अपने पर्स को या बैंक बैलेंस को देखेंगे, हो सकता है कि उसमें शून्य हो. Maybe when you look at your family, you may think nothing has improved. जब हम अपने परिवार को देखते हैं, तो हो सकता है आप ये कहें कि कोई सुधार नहीं है. But I want you to not only have an earthly perspective, I want you to have an heavenly perspective. हम केवल आपको संसारिक दृष्टिकोण ही नहीं, लेकिन हम स्वर्गीय दृष्टिकोण भी चाहते हैं कि आप रखें. That one verse and that one word I want you to keep in mind is 2 Corinthians 4, first read the 16th verse. यहाँ पर दूसरों करंथियों 4 अध्याय और उसके 16 पद को देखें, तो यहाँ लिखा है, इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते. What does Paul say? यहाँ पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. You know, I like this verse very much. ये जो पद है ना वचन का, हमें बहुत पसंद है. It says, so do not lose heart. Though our outward self is wasting away. कहता है कि आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए, चाहे हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है. What is Paul telling? यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? Our outward self is perishing day by day. कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है, दिन प्रतिदिन वो नष्ट होता चला जा रहा है. My eyes is becoming blinder day by day. My number is increasing. मेरी आंखें दिन प्रतिदिन धुंधला होते जा रही हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है. Before I should do 10 things in a day and I'm able to do only 3 things a day because my knee is not supporting me. पहले मैं दिन में 10 काम करता था, लेकिन अब दिन में सिर्फ 3 ही काम करता हूं क्योंकि मेरे घुटने साथ नहीं दे रहे. But I have found that more time I spend with God, my inner man is becoming strong while my outward body is becoming weaker and weaker day by day. मैंने ये महसूस किया कि जितना समय मैं परमेश्वर के साथ अधिक व्यतीत करता हूं, अंदर से मैं मजबूत हो रहा हूं, चाहे मेरा बाहरी शरीर जो वो कमजोर होता जा रहा है. Why am I telling you this? हम आपको ये क्यों कह रहे हैं? I don't want you to lose heart and lose hope on 2016. हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2016 में ना तो आप हिम्मत छोड़े, ना आपका हौसला पस्त हो. Why should not believe hope? In 17, Paul gives the answer. और 17 पद में उसका पौलुस हमें उत्तर दे रहा है कि हमें हिम्मत क्यों नहीं छोड़नी. What is Paul telling? यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? For this light momentary affliction is preparing us for eternal weight. कि ये पल भर का जो हल्का सा क्लेश है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उन्नत महिमा उत्पन्न करता जाता है. What is Paul telling? यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? Yes, our outward man is becoming weak. हमारा बाहरी मनुष्यत्व कमजोर हो रहा है. Maybe you had light affliction on this earth. हो सकता है कि इस संसार के ऊपर आपका बहुत कम. Maybe in 2015 you had a great financial loss. हो सकता है कि 15 में आपको बहुत माली नुकसान हुआ. Maybe in 2015 the friends were supposed to stand with you did not stand by you. हो सकता है 2015 में जिन दोस्तों ने आपके साथ खड़ा होना था, आपका साथ देना था, उन्होंने नहीं दिया. And you can see yourself that 2015 your health has deteriorated badly. और आपने महसूस किया होगा कि 2015 में आपकी सेहत बहुत बिगड़ी है. But how is Paul telling this light in affliction? और यहाँ पौलुस ऐसे कैसे कह रहा है? That is only for a moment. ये पल भर का है. Because sometimes when we see our problems, we think it's forever. जो समस्या हम देखते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये हमेशा के लिए. You know, I want to tell you today one thing. आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं. Whatever you play face anything in life is only temporary in nature. जिस चीज का भी आप इस संसार में सामना करते हैं, वो कुछ पलों की होती है. Think one loved one has left you. मान लीजिए कि आपका कोई साथी, आपका प्रियजन आपको छोड़ गया. You have to ask yourself that person has left me, but God has not left me. तो आपने आपको आपको ये पूछना है कि वो व्यक्ति तो मुझे छोड़ गया, लेकिन मुझे परमेश्वर ने तो नहीं ना छोड़ा. You know, there was one music artist. एक संगीतकार था. He wrote music which the world loved. उसने ऐसा संगीत लिखा जिसे सारी दुनिया प्यार करती. But the saddest thing was he could not listen to his own music because he was deaf. और सबसे दुख की बात यह है कि वो अपना ही संगीत सुन नहीं पाता था, you know, क्योंकि वो बहरा था. I'm talking about Mozart. आप मोजार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. Why am I telling you this? आपको ये क्यों बता रहे हैं? When we go through pain and suffering, we can do better contribution to the world than when we are healthy and fine. जब आप दुख पीड़ा से गुजरते हैं, तो आप दुनिया के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, इसके सिवा कि आप
अच्छी सेहत में बिकॉज व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल विद यू व्हेन योर हेल्थ इज ऑल राइट व्हेन यू हैव वेल्थ यू विल ओनली थिंक ऑफ प्लीजिंग योरसेल्फ क्योंकि जब भी आपकी सेहत अच्छी है आपके पास धन दौलत है तो उस टाइम वक्त आप केवल यही सोचेंगे कि आप अपने आप को कैसे खुश करें बट पॉल इज टेलिंग व्हाटएवर इज देयर इज फॉर ओनली अ मोमेंट यहां पर उस कह रहा है कि जो कुछ भी है वो क्षण भर के लिए पल भर के लिए इज इट फॉर अ मोमेंट क्या ये पल भर के लिए है कंपेयरिंग टू दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड विद जीसस व्हाट वी आर फेसिंग ऑन द अर्थ फॉर अबाउट 60 इयर्स इज जस्ट अ मोमेंट आप इस बात की तुलना कीजिए कि जो समय हम यीशु के साथ बिताएंगे वो उसके हिसाब से ये जो 60-70 साल हम इस दुनिया में बिताते हैं ये पल भर ही हैं सो आई वांट टू टेल यू व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू डोंट लूज हार्ट हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी हालत से क्यों ना गुजर रहे हो आप हिम्मत मत छोड़ें वेट ऑन द लॉर्ड एंड थिंग्स विल चेंज एंड ही हैज द पावर टू चेंज आप परमेश्वर पर विश्वास रखें उस पर निर्भर रहिए क्योंकि आपके हालात बदल जाएंगे क्योंकि उसमें शक्ति है वो सब कुछ बदल सकता है Second thing I want to tell is in 2016, don't see with your eyes, but rather see with faith. हम दूसरी बात आपको ये कहना चाहते हैं 2016 में आप अपनी आँखों से देखने की बजाय आपने विश्वास से देखिए. You know there are two types of eyes we have. हमारे पास दो तरह की आँखें हैं. One is the eyes of faith, and one is the physical eyes that we can see. हमारे पास दो आँखें ये हैं कि एक विश्वास की आँखें हैं, दूसरी जो हमारी आँख शारीरिक आँखें हैं. If you read 2 Corinthians 4:18, what does it say? दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय और उसके 18 पद को देखें तो यहां लिखा है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की सदा बनी रहती हैं व्हाट इज पॉल टेलिंग यहां पॉलस क्या कह रहा है वी लुक एट नॉट दैट आर सीन बट थिंग्स दैट आर अनसीन यहां कह रहा है कि हम जो अनदेखी चीजें हैं उनको देखते हैं ना कि जो दिख रही है उनको फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर If I can see myself, maybe I can see poverty. यदि मैं अपने आप को देख सकता हूँ, तो हो सकता है मैं अपनी गरीबी को देखता हूँ. But when I see with the eyes of faith, I can see prosperity, health, and wealth. जब मैं विश्वास की आंखों से देखता हूँ, तो उस समय मैं तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, धन और अच्छा देख सकता हूँ. I want to give you an example. एक उदाहरण देना चाहता हूँ. You know, there was one Buddhist boy who was dying. एक बुद्धिस्ट बालक था जो मर रहा था एंड ही वाज कॉलिंग ऑन बुद्धा डे एंड नाइट वो दिन रात बुद्धा को पुकार रहा था एंड ही वाज वेटिंग डे एंड नाइट दिन रात इंतजार कर रहा था बट वन डे वन गर्ल केम टू मीट हिम आफ्टर द स्कूल लेकिन एक दिन स्कूल के बाद एक लड़की उससे मिलने आई शी केम शी सॉ एट हिम एंड शी गेव अ बाइबल नेल्ड ऑन एंड प्रेड वो आई उसे मिली उसे देखा उसे एक बाइबल दी घुटनों के बल होकर उसके लिए प्रार्थना की दिस बॉय थॉट व्हाट इज शी टेलिंग जीसस जीसस 10 टाइम्स लड़का सोचने लगा कि ये 10 बार क्या ये यीशु यीशु कह रही है आई एम कॉलिंग बुद्धा फ्रॉम मोर देन 3 मंथ्स कहने लगा कि मैं 3 महीने से ऊपर हो गया कि मैं बुद्धा को पुकार रहा हूं ही सेड देन द गर्ल वेंट ऑफ एंड ही डिडंट वांट टच द बाइबल बिकॉज़ ही डिडंट लाइक क्रिश्चियनिटी लड़की चली गई लेकिन वो बाइबल को हाथ नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उसे मसीहत वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी And after she went, again 2 days she was calling Buddha. लड़की के जाने के बाद 2-3 दिन तक फिर भी वो बुद्धा को पुकारता रहा. Then once she thought maybe Buddha is not hearing me. Why can't I call this Jesus? तो एक दिन उसने दुखी होकर सोचा कि बुद्धा तो शायद मेरी नहीं सुन रहा. तो मैं यीशु को क्यों ना पुकार के देखूं. She started calling Jesus. तो उसने यीशु को पुकारना शुरू किया. He said, Jesus, see I'm a young boy. कहने लगा कि यही इश्यू देख मैं नौजवान बच्चा हूँ इफ यू टच एंड हील मी यदि तू मुझे छूकर चंगा करे इट बी वेरी यूजफुल फॉर यू तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ आई वांट टू वर्क फॉर यू मैं तेरे लिए काम करूंगा यू व्हाई शुड आई डाई मैं मरूं क्यों एंड ही स्लेप्ट ऑफ और वो सो गया नेक्स्ट डे ही गॉट अप ही नथिंग वाज गुड अगले दिन जब वो सुबह उठा तो कुछ भी भला नहीं था ही सेड व्हाट इज रॉन्ग आई कॉल्ड जीसस आल्सो आई कॉल्ड बुद्धा मे बी बोथ आर नॉट आंसरिंग तो सोचने लगा मैंने बुद्धा को पुकारा यीशु को पुकारा लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा चक्कर क्या है बट somehow he felt he should read the Bible and pray लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि मुझे बाइबल पढ़ के प्रार्थना करनी चाहिए that time he started reading the Bible and praying to Jesus within 3 weeks he become all right और जिस समय से उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और यीशु से प्रार्थना करनी शुरू की 3 सप्ताह के भीतर वो चंगा हो गया then he took a cycle उसने साइकिल ली he took the Bible ली he started preaching तो उसने प्रचार शुरू किया All used to think, this poor fella was dying and what suddenly is telling about some other God.
तो सभी सोचने लगे कि ये बेचारा मर रहा था, अचानक ये उठ के किसी और देवता के बारे में बताने लग गया। So once he made a small tent and he started preaching about peace and prosperity and wealth. एक बार उसने छोटा सा तंबू बनाया तो उसने शांति, तरक्की और धन के बारे में प्रचार करना शुरू किया। So once after preaching, an old lady came to him. जब उसने प्रचार शुरू किया तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। Say, Pastor, what are you talking about wealth and wealth when you and you yourself don't have anything? तो कहने लगी कि तू क्या धन की बात कर रहा है जब तेरे पास खुद के पास नहीं है। You are coming in old cycle and staying in a tent. पुराने साइकिल में आता है, तंबू में रहता है। The pastor said, my dear mother, it is by faith I can see, by fact, by my eyes I cannot see. और कहने लगा कि माता जी, मैं विश्वास से देख सकता हूं, इन आंखों से कुछ नहीं देख सकता। The same way you are coming to my church, you see by faith, not by your eyes. आप मेरे कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, आप विश्वास से देखिए, आंखों से नहीं। You know, that same pastor, within 15 years, और ये जो नौजवान प्रचारक था, इसे 15 साल के भीतर, not only his church was the biggest church, he had 150,000 members and the company and this church had 4 companies. ये जो प्रचारक था, इसके पास 150,000 सदस्य थे और इसके पास 4 और कंपनीज थी। And he became so rich this and his name is Paul Yamgichaw. और ये इतना धनी हो गया और इसका नाम है पॉल यंगकीचाओ। So I want to tell you like Paul Yamgichaw, you should have that faith to see things what God wants to give you. हम यही कहना चाहते हैं कि पॉल यंगकीचाओ की तरह आप जो परमेश्वर आपको चीजें देना चाहता है विश्वास से देखिए। Don't look with his eyes. Don't believe the fact. Believe your faith. आप अपने विश्वास को देखिए, ना कि जो चीजें आप देखते हैं। There are so many people who look with the eyes and decide and say no hope is there. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, कहते हैं कोई उम्मीद नहीं। Many of them see with their physical eyes and say, oh God is not doing anything, nothing will change. बहुत से लोग अपनी आंखों से देख के कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, कुछ बदलने वाला नहीं। Why God is not giving you but giving others? परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे रहा, दूसरों को दे रहा है? Because the Bible says you have not because you ask not. वचन में स्पष्ट लिखा है आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। The problem is people ready to go and tell what they want to people who cannot give. समस्या ये है कि लोग उन लोगों के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं जो देना ही नहीं चाहते। You know, once I went to attend one small church. एक दिन मैं एक छोटे से चर्च पर गया। After that worship, one old man came to meet me. वहाँ प्रार्थना के बाद एक बुजुर्ग आदमी आपसे मिलने आया। That man said, "Are you a young person and you like church so much?" और आके पूछने लगा कि भाई तू तो नौजवान है, तेरे को चर्च इतना अच्छा लगता है? Yeah, I said, "Uncle, I want to be in TV ministry also." आपने उनसे बोला कि अंकल बिल ये आपकी बात सच है, मैं टीवी के माध्यम से भी सेवकाई करना चाहता हूँ। That is in 2001. I told him that. ये 2001 की बात है। I cannot forget what that man told me. और जो उस व्यक्ति ने बोला वो आप भूल नहीं पाए। He was not a pastor. वो कोई प्रचारक नहीं था। He was not a church elder. वो कोई चर्च का But he was just a lay member there. वो केवल एक सदस्य था। He said, "You don't have because you're not asking." उन्होंने एक ही बात बोली कि आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप मांग नहीं रहे। So what I did from next morning I started. तो अगली सुबह से ही आपने मांगना शुरू कर दिया। I started asking God which I never used to ask. मैंने कह रहे कि आपने अगली सुबह ही वो परमेश्वर से मांगना शुरू किया जो आपने कभी मांगा ही नहीं था। But from 2001 to 2012 nothing changed. 2001 से 2012 तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। But surely by faith I was asking God and he gave me. That's the reason today we are in television ministry. लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर से मांग रहे थे इसलिए आज हम टेलीविजन से कई में। So I want to tell you today. इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं। Are you ready to lose heart? क्या आप हिम्मत छोड़ने को तैयार हो चुके हैं? Never lose heart. आप कभी हिम्मत मत छोड़ो। Maybe you lost money. हो सकता है कि आपने धन खो दिया। Maybe people cheated you. हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया। Maybe your own body is not supporting you. हो सकता है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। Ask God to increase that faith. आप परमेश्वर से कहिए कि आपका विश्वास बढ़े। And always have eternal perspective. और हमेशा आप ईश्वरीय दृष्टिकोण रखें। Because God doesn't work the way the world works. क्योंकि परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसे संसार। So what is the first point? यहाँ पहली बात क्या है? In 2016, do not lose heart.
2016 में आप हिम्मत ना छोड़ें. नंबर टू इज लुक विद आईज ऑफ फेथ, नॉट विद फिजिकल आईज. दूसरी बात यह है कि आप अपने विश्वास की आंखों से देखें, शारीरिक आंखों से नहीं. थर्ड थिंग आई वांट टू टेल इज व्हाई यू डोंट लूज हार्ट व्हेन यू हैव फेथ. थर्ड वन इज वेट फॉर द लॉर्ड. तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें. वेट ऑन द लॉर्ड मींस हाउ, कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहे. यू नो देयर आर मेनी पीपल व्हेन यू टेल वेट दे विल जस्ट गो होम एंड सिट एंड वेट एंड वेट. और जब आप इंतजार करने को कहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने को कहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे घर जाके इंतजार ही करते रहते, बैठे रहते हैं. व्हाट दे विल डू, दे विल पुट अ सर्मन एंड लिसन, दे विल लिसन टू अ सॉन्ग एंड वेट ऑन द लॉर्ड. और वो करेंगे क्या कि गाना सुन लेंगे, उपदेश सुन लेंगे लगा के, और परमेश्वर पर भरोसा. नो नो, यू शुड बी वेटिंग फॉर द लॉर्ड एक्टिवली. आपको बहुत चुस्ती के साथ परमेश्वर की बात जुटनी है. हाउ यू शुड वेट ऑन द लॉर्ड, कैसे. कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे. जो आप कर रहे हैं रोज वो से करते रहे. यू नो डोंट जटली गिव अप एवरीथिंग एंड से आई विल वेट ऑन द लॉर्ड अंटिल ही लीड्स मी. सब कुछ त्याग कर आप बैठ मत जाइए और ये मत कहिए कि मैं तब तक परमेश्वर का इंतजार करूंगा जब तक वो मेरे की अगुवाई नहीं करता. लाइक दैट वेटिंग, लॉट ऑफ पीपल दे हैव बिकम ओल्ड एंड द टीथ आल्सो फॉलन डाउन. ऐसे इंतजार में बहुत से लोग बुजुर्ग हो गए और उनके दांत भी निकल चुके हैं, गिर चुके हैं. एंड टिल नाउ गॉड हैज नॉट टॉक टू देम. और आज तक परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की. द प्रॉब्लम विद देम इज वी शुड लर्न टू एक्टिवली वेट फॉर द लॉर्ड. समस्या ये है कि हमें बहुत चुस्ती के साथ परमेश्वर पर. यू नो व्हाट प्रीचर सेड, एक प्रचारक ने कहा, इफ यू डू नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड व्हाट ही टोल्ड यू बिफोर, कीप डूइंग दैट अंटिल ही टेल्स यू टू चेंज दैट थिंग. उसने कहा कि यदि आपको परमेश्वर ने नया काम नहीं बताया तो जो उसने पहले बताया था उसे करते रहिए और तब तक मत बदलिए जब तक वो बताता नहीं. सो आई वांट यू टू कीप डूइंग समथिंग एवरी डे. हम ये कहना चाहते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए. यू नो आई हैड वन फ्रेंड हु वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. एक मेरा दोस्त है जो बहुत ही धार्मिक विचारों का है. And somehow he was not tempted with other friends. और वो दूसरे के प्रभाव में नहीं आता था. And always he had a desire that he wants to become a pastor and go abroad. और उसकी एक इच्छा थी कि वो प्रचारक बनके विदेश जाए. And he was studying theology. और वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था. His name is John. उसका नाम जॉन है. And he was from a very poor family. बहुत निर्धन परिवार से. So when he came to study in the college. जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, and most of his friends were busy having girlfriends and going for movies and playing, जबकि उसके दोस्त थे लो दूसरे दोस्त जो थे वो लड़कियों के साथ घूमते थे, पिक्चर वगैरह देखते थे. This guy, because he was poor, will sit and study and try to get an A grade. और ये लड़का क्योंकि निर्धन परिवार से था, ये बैठ के अपने पढ़ाई करता था और कोशिश करता था कि वो उसे सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे. तो दूसरे जो उसके दोस्त थे उसको चिढ़ाते थे, वो कहते थे कि ये पवित्र गाय. But I saw that four and a half years that guy did not compromise with anybody. तो 4.5 साल तक हमने देखा कि उसने किसी का समझौता नहीं किया. He will be working, studying or praying. या तो वो काम करता होता था, या पढ़ाई कर रहा होता था, या प्रार्थना करता था. But you'll be surprised after his education. हैरानी की बात है कि जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई, his parents came and saw a simple girl and got him married. तो उसके माता-पिता ने एक मामूली लड़की, आम साधारण सी लड़की देखी उससे और उससे उसकी शादी कर दी. He said, "Picture my mommy say, daddy say, I will listen." और उसने कहा कि जिस लड़की से मेरे माता पिता कहेंगे मैं उससे शादी करूंगा. And you will be surprised after the marriage within 2 years, one man came and took him to America to become a pastor. आपको हैरानी होगी जानकर कि 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद एक व्यक्ति अमेरिका से आया और उसे अमेरिका में पास्टर बना के ले गया. They gave him money for ticket, they gave him a visa and they took him and went. उन्होंने उसे वीसा के लिए पैसे दिए, उन्होंने टिकट उसको दिए और उसे लेके चले गए. What is the secret of this boy, that secret that others don't have? इसका इसमें राज की बात क्या है कि जो दूसरों के पास नहीं है. He was waiting on the Lord to promote him by doing his daily activities and being obedient to his parents. वो अपने माता-पिता के साथ वफादार रह के परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि वो उसे वक्त आने पे अच्छा दे. So I want to tell each one of you those are watching this telecast. आज जो भी इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं हम आपको कहना चाहते हैं. Don't waste your time and wait on the Lord. आप अपना समय व्यर्थ गवाकर परमेश्वर पर निर्भर ना होएं. Keep doing something. आप कुछ करते रहें. It should be productive, it should be progressive, and it should influence people. और आपका काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको अच्छे नतीजे मिलें. And I want to tell you about everything. When you wait on the Lord, He will never disappoint you. हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो आपको कभी निराश नहीं करेगा. You know, sometimes waiting for people can be lifelong waiting. कई बार लोगों पर निर्भर करना हमेशा के लिए
इंतजार हो सकता है बट वेटिंग ऑन द लॉर्ड ही हैज डेफिनेटिव टाइम एंड डेफिनेटिव ब्लेसिंग्स जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उस पर निर्भर करते हैं तो उसके पास निश्चित समय और निश्चित आशीषें हैं एंड द फोर्थ पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज और चौथी बात आपको जो हम बताना चाहते हैं आवर एम शुड बी टू प्लीज गॉड नॉट मेन एंड नॉट आवर रिलेटिव्स हमारा जो मकसद है जो निशान है वो ये होना चाहिए कि हमने परमेश्वर को खुश करना अपने रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को नहीं इफ यू रीड सेकंड कोरिंथियंस 5:9 यहां दूसरे कोरिंथियों 5 अध्याय और 9 पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है इस कारण हमारे मन की उमंग देह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे व्हाट इज पॉल टेलिंग यहां पॉलस क्या कह रहा है आवर एम इज टू प्लीज हिम हमारा जो निशाना है वो ये है कि उसे खुश करें वेदर वी आर हियर इन दिस बॉडी और अवे फ्रॉम दिस बॉडी चाहे हम इस शरीर में चाहे इस शरीर से अलग हैं यू नो सेम पॉल आल्सो सेज व्हाटएवर यू डू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड यही पॉलस कहता है कि जो भी आप करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए वेदर यू आर वर्किंग फॉर अ क्रिश्चियन बॉस और अ हिंदू बॉस एनीबॉडी वर्क एज इफ यू आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड चाहे आपका बॉस मसीही है चाहे गैर मसीही है आप ऐसे काम करें जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं बिकॉज वेन यू वर्क फॉर द लॉर्ड एंड यू प्लीज द लॉर्ड वेन टाइम कम्स ही विल टेक यू टू प्लेसेस व्हिच यू कैन नेवर ड्रीम अबाउट जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं ये तो परमेश्वर आप यकीन जानिए ऐसे आपको स्थानों के पर ले जाएगा ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जिसके लिए आपने कभी सपना you know, I can remember nicely once when the supervisor was giving work to everybody, he gave me also work. मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सुपरवाइजर एक बार किसी सबको काम दे रहा था उसने मुझे भी काम दिया you know, in the hostel, we were supposed to work every day 3 hours. हॉस्टल में रहते हुए हर रोज हमारे को 3 घंटे काम करना होता था that day was a holiday. After 3 hours, I was working in the garden because I wanted to finish the work and go. छुट्टी का दिन था तो उस दिन जब मैं बगीचे में काम कर रहा था तो मैं 3 घंटे के बाद भी काम कर रहा था क्योंकि मेरे चाहत ये थी कि मैं अपना काम खत्म करके जाऊं Then one teacher came. तो एक अध्यापक आया And she said, "Are you time up? You go home." कहने लगी कि टाइम हो गया घर जाओ I said, "Madam, I just finish this and go." तो मैंने कहा कि मैडम ये खत्म करके जाऊंगा She said, "Don't worry, God will bless you." कहने लगी कि आप चिंता मत करो परमेश्वर आपको आशीष I want to tell you from that time to this time, surely God has blessed me. और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उस दिन से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। So my friends, I want to tell you. मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ। Do not lose heart. आप हिम्मत मत छोड़ो। See with the eyes of faith. विश्वास की आंखों से देखें। Wait on the Lord actively. आप बहुत चुस्ती के साथ परमेश्वर पर इंतजार करें। And whatever you do in 2016, learn to please God. जो भी 2016 में करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। He will bless you. Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father. स्वर्ग के पिता महान परमेश्वर। When we look at the world, what's happening? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, we lose our hearts, O Master. तो हमारा हिम्मत छूटती है। Lord, we lose our hope, O Master. हम अपनी उम्मीद छोड़ते हैं। Lord, while our outward body is waning away, our inward man is strengthened day by day. जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व कमजोर होता जा रहा है तो बाहरी अंदरी मनुष्यत्व मजबूत होता है। I pray for all the people who are watching this telecast. जितने लोग ये टेलीकास्ट देख रहे हैं उनकी प्रार्थना करते हैं। If they are disappointed. यदि वो हिम्मत हार चुके हैं। If they have lost all hopes. यदि वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। Lord, increase their faith, O Master. तो आप उनके ईमान विश्वास को बढ़ाइए। Lord, let them wait on you, O Master. होने दीजिए कि वो आप पर निर्भर हो। Lord, let them know when they wait on you, you will never disappoint them, O Master. होने दीजिए कि वो जान ले कि जब वो आप पर निर्भर करते हैं कभी आप निराश नहीं होने देंगे। Bless each of them who are watching, O Lord. जो भी देख रहे हैं सबको आशीष कीजिए। In Jesus name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।